आपकी बाहरी दीवारों में प्लास्टर लूज प्लास्टर हो रखा है, आप पीडीफिन 2K को एज अ अंडरकोट यूज करके उसके ऊपर प्लास्टरिंग करके फिर पेंटिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर फिक्सिट के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको हम लोग मास्टर ऑफ ऑल रिपेयर्स बोलते हैं। यह है पीडीफिन 2K। ये एक 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको एक सीमेंटिशियस पाउडर और एक लिक्विड पॉलीमर मिलेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट को आपको मिक्स करना है, ब्रश के मार्फत से इसको एफेक्टेड एरिया में लगाना है। तो इसको लगाना बेहद आसान है दोस्तों। इसको मिक्स करने के लिए आपको पहले इस पाउडर को एक तसले में लेना है और इसके ऊपर आपको धीरे धीरे करके ये लिक्विड पॉलीमर पूरा लगाना है। जब भी आप मिक्स कर रहे हैं आपको ये याद रखना है कि पूरा पाउडर और पूरा लिक्विड यूज़ एक ही बार होना चाहिए। और हमेशा जब आप वो मिक्सर बनाएंगे, वो मिक्सर को करीबन 40 मिनट के अंदर आपको पूरा वो मिक्सर यूज़ करके ख़त्म करना है। इसको यूज़ करना बेहद आसान है। जैसे कि पहले मैंने बताया इसको मिक्स कैसे करते हैं, अब इसको यूज़ कैसे करता है और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं इसके बारे में अभी आपसे बात करूँगा। इसको हम लोग रिपेयर के टाइम पे या नए कंस्ट्रक्शन में दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मास्टर ऑफ रिपेयर्स बोलते हैं। इसीलिए ये रिपेयर में हर जगह हर टाइप के रिपेयर में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा सीपेज है, या मतलब पहले कहीं से पानी से लीकेज हो रहा था और वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उसको पहले हम लोगों को उस पोर्शन में हम लोगों को पहले उसको पुट्टी को या पेंट को पहले स्क्रेप करना है। स्क्रेप करके वहाँ से कम हम लोगों को ब्रिक लेवल तक पहुँचना है। उसके बाद जो मिक्स किया हुआ पीडीफिन 2K उसको हम लोग पहले आड़े दिशा में एक कोट मारना है और 6 घंटे 4 to 6 आवर्स बाद टेढ़े सीधा डायरेक्शन में दूसरा कोट मारना है। अभी दूसरा कोट मारने के बाद कम से कम हमें 48 आवर्स 2 दिन हमें एयर क्यूरिंग में देना है, ना इसमें कभी पानी मिक्स करना है या कुछ करना है। एयर क्यूरिंग होगा उसके बाद उसके ऊपर हमें प्लास्टरिंग करना है, फिर अपना पट्टी प्राइमर पेंट कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके बाथरूम से अगर आपको राइजिंग डैम्पनेस का इश्यू हो रहा है या ग्राउटिंग का इश्यू हो रहा है, तो मोस्टली ग्राउटिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्व होता है, पर कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपके जो मदर स्लैब है वहीं से मतलब पानी आ रहा होता है, जिसके कारण ग्राउटिंग करने के बाद भी मतलब बार बार ग्राउटिंग करने के बाद भी आपको सीपेज दीवारों में दिखता रहता है। तो उसके लिए आपको बाथरूम के टाइल्स तोड़ के जो मदर स्लैब है, मदर स्लैब में आपको पीडीफिन 2K का 2 कोट करने के बाद फिर ऊपर से आप टाइल बिठा सकते हैं। तो ये करने के बाद आपके बाथरूम हो जाएंगे वाटरप्रूफ। और इसी तरह इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं रूफ़ में भी। अगर आपका रूफ 2000 स्क्वायर फीट से छोटा है, तो आप रूफ़ का जो मदर स्लैब है उसमें आप ऊपर स्क्रीड लगाने से पहले मदर स्लैब में 2 कोट वाटरप्रूफिंग कोट पीडीफिन 2K का लगा के उसके ऊपर हम लोग स्क्रीडिंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग मास्टर ऑफ ऑल रिपेयर्स, कैसा भी टाइप का वाटरप्रूफिंग रिपेयर हो हम इसको उसमें यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमेशा याद रखिए, इसका जो कवरेज है, इसका कवरेज आपको कम से कम 6 to 8 square feet फॉर 2 कोट्स, 1 kg में आपको 6 to 8 square feet आएगा। तो ये डब्बा जो है, ये अभी 3 kg का डब्बा है। ये 3 kg का डब्बा मतलब आपका जो सीमेंटिशियस पाउडर वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 kg का रहता है और जो आपको लिक्विड पॉलीमर है वो 1 kg का रहता है। तो उसके हिसाब से ये 3 kg है। तो जब भी हम लोग मिक्स करते हैं हमें ये याद रखना है कि 2:1 के रेशियो में ऑटोमेटिकली मिक्स हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिक्स करने के टाइम पे दोनों को ही फुल यूज़ करना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आधा आज यूज़ करेंगे और आधा कल यूज़ कर दें, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप मटेरियल खरीद रहे हैं आप एरिया के हिसाब से मटेरियल खरीदिए। ये आपको मिलता है 3 kg, 9 kg और 15 kg के 3 different packs में। उसके ऊपर अगर आपको खरीदना है तो आपको शायद डॉक्टर फिक्सिट की प्रोजेक्ट टीम से बात करनी पड़ेगी, पर अगर रिटेल में आपको मिलता है ये 3 different packs में। इसके साथ साथ जब इसका 2 कोट लगाते हैं, इसका 2 कोट आपको जो थिकनेस देता है, जो ड्राई फिल्म थिकनेस
इसका जो थिकनेस आता है वो कम से कम 1 mm आना, मिनिमम भी 1 mm आना चाहिए। वो मिनिमम 1 mm आएगा तभी आपको ये प्रोडक्ट, आपको इस ये गारंटी देता है कि कम से कम 2 mm तक का क्रैक ये प्रोडक्ट ब्रिज करेगा। मतलब 2 mm तक का अगर आपको क्रैक खुल रहा है तो ये प्रोडक्ट रोकेगा उसको। और इसमें एक ऐसा खासियत है कि ये आप अपने वाटर टैंक्स या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपके खाने की पानी है, खाने का सामान रखने का स्टोर है, ऐसा कुछ भी एरिया है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये है CFS सारा अप्रूव्ड एक प्रोडक्ट है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके खाने का जगह है, खाने का पानी है, खाने का खाना रखने का जगह है, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग वाटर टैंक के अंदर भी वाटर प्रूफिंग करवाते हैं, ताकि मतलब आगे जाके ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि वाटर टैंक के कारण लीकेज का समस्या हो जाए। तो वाटर टैंक में भी आप, अगर आपका वाटर टैंक 2000 स्क्वायर फीट से कम वाला है, तो आप इसमें ये पीडीफिन के बेहिचक यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप यूज़ कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ध्यानपूर्वक इसको यूज़ कर, मतलब फॉलो करना है। हमेशा इसको यूज़ करने से पहले आप को अपना सरफेस जहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसको पानी से पहले उसको साफ़ करना है, फिर तार ब्रश से उसको रगड़ के जो भी फंगस है या मतलब जो भी काला फंगस होता है उसको निकालना है। उसके ऊपर फिर हमें थोड़ा सा पानी छिड़क के एक SSD कंडीशन में लेके आना है। SSD का मतलब सरफेस सैचुरेशन ड्राई, ये कंडीशन में पहले उसको लेके आना है। उसके ऊपर फिर हमें ये कोटिंग लगानी है। वो कोटिंग अगर हम लोग बहुत ड्राई कंडीशन में लगाते हैं तो वो चांसेस ये भी हैं कि वो फट जाएगा, इसीलिए हम लोग को उसको थोड़ा सा पानी छिड़क के सरफेस सैचुरेशन ड्राई इस कंडीशन में हम लोग ये कोटिंग लगाते हैं। तो अभी जब भी आप ये प्रोडक्ट दुकान से खरीद के लेके आते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसको कभी भी धूप के आगे धूप में नहीं रखना है। हमेशा इसको कोल्ड सरफेस में रखना है, कोल्ड जहाँ पे भी मतलब धूप का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है वहाँ पे रखना है। और इसमें ये जब भी आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, इसके मिक्सर में कभी भी एक बूंद पानी भी नहीं गिराना है। पानी मिक्स होते ही ये प्रोडक्ट का जो एक्चुअल काम आता है वो काम यूज़ नहीं होगा, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए इसको अगर आपको ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको पानी नहीं मिक्स करना है। इसके साथ साथ इसको अगर आप अच्छी तरह यूज़ करेंगे, अच्छे से सरफेस प्रिपरेशन अगर आपका अच्छे सही ढंग से हो रहा है और आपका एप्लीकेशन सही ढंग से हो रहा है और आपका जो DFT है अगर 1 mm तक आ रहा है, ये प्रोडक्ट आपको कम से कम 5 से 8 साल आराम से चलेगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए, जब आप लगा रहे हैं आपको अपने कारीगर को बोलना है कि जो भी प्रोसेस है फुल प्रोसेस फॉलो करके इसको लगाया जाए। और भी ऐसे वाटरप्रूफिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपका पेंटर को। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी सवाल है जो आपके घर में सीपेज डैम्पनेस क्रैक्स को लेकर कुछ भी सवाल है, आप हमेशा हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।